महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जिन सितारों ने ट्वीट किए थे किसान आंदोलन को लेकर के, खास तौर पर जो विदेशी सितारों ने ट्वीट किए थे, उसका जवाब देते हुए अब उनकी जांच होगी कि कहीं किसी दबाव में तो जो ट्वीट नहीं किया। हमारे साथ मौजूद है सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद। सुधांशु जी, जाँच ये होगी कि कहीं किसी दबाव में तो ट्वीट नहीं किए गए? देखिए, जो कार्य कर रही महाराष्ट्र की सरकार, उसके लिए संस्कृत का एक वाक्य है, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। संगति में बहुत दोष होते हैं, वो दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लोग जो राष्ट्र के गौरव थे, भारत रत्न, और जिनको महाराष्ट्र का गौरव भी कहा जाता है, लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर, उनमें दोष नजर आने लगे तो समझिए वह संगति का दोष है। लेकिन जो है, जो सांसद हैं शिवसेना के, एनसीपी के, सरकार, जो महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि, उनका ये कहना है कि अगर ट्वीट किया भी है, अगर किसी ने अपने मन से ट्वीट किया है, तो उन सबकी लाइनें एक सी नहीं होंगी जैसे कि इन सेलिब्रिटीज़ के साथ में थी, तो कहीं ना कहीं दबाव ज़रूर होगा। जिसको राष्ट्र विरोध में हुए ट्वीट तो मन से हुए नज़र आ रहे हों और राष्ट्र हित में किए गए ट्वीट दबाव में नज़र आ रहे हों, तो उसका मन अब कैसा हो गया है ये खुद समझा जाता है। एक पंक्ति ही कहना चाहूँगा कि अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से ये महाराष्ट्र सरकार का आदेश आया है और उसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं, और बीजेपी का यही कहना है कि ये उन लोगों के खिलाफ जाँच की बात हो रही है जिसमें से दो तो देश के भारत रत्न हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी सांसद फौजिया जी। मैम, जो महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया है कि जो सेलेब्स हैं जिन्होंने ट्वीट किए हैं, उनकी भी जांच होगी? अब जांच सेलेब्स की नहीं हो रही है, जांच उस बात की हो रही है कि ये सब सिंक्रोनाइज्ड वे में क्यों हुआ। क्योंकि अगर इंडिविजुअल के मन की बात हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट करके जिस तरह से सिंक्रोनाइज्ड ट्वीट हुआ है, इसमें शक पैदा होता है कि कहीं इन पर दबाव तो नहीं है। और ये दबाव अगर हो रहा है तो दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन मैम, जिन लोगों ने ट्वीट किया है, दो भारत रत्न हैं, लता जी हैं, सचिन हैं, उसके अलावा कई और सेलेब्स ने जो है ये ट्वीट्स किए हैं, तो ये कैसे पता चल रहा है कि दबाव में हुआ है ये? इसकी जाँच, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा सच देखा नहीं गया है। हाँ, ये जो है ये वर्ल्ड लेवल की पर्सनालिटीज़ हैं जी, और ऐसे पर्सनालिटीज़ को जो है हमने बिल्कुल दक्ष रहना चाहिए कि कहीं इन पर कोई दबाव तो नहीं है कि ये मजबूर हो रहे हैं इस तरह की बात करने के लिए। क्योंकि देखिए, जो भी दबाव, जो भी एंटी हम बोल रहे हैं, प्रोपोगेशन किया जा रहा है कि ये एंटी नेशन ट्वीट्स हो रहे थे पहले, आई थिंक ये एंटी नेशन नहीं था, बल्कि कहीं गवर्नमेंट का किस तरह से डीलिंग है फार्मर्स के साथ, उसके बारे में ये था। तो मेकिंग इट एन एंटी नेशन इशू इज आई थिंक डेंजरस, और इसलिए ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, आई थिंक इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, इसका जो है बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि कहीं किसी दबाव में तो ये ट्वीट नहीं किए जा रहे थे, और उसका उसी का समर्थन कर रहे हैं शिवसेना हो या एनसीपी के सांसद। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश दिया है कि उन सेलेब्स यानी कि उन हस्तियों के बारे में जाँच की जाए जिन्होंने ट्वीट्स किए थे और किसान आंदोलन को लेकर के जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे उनका जवाब दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना सांसद। प्रियंका जी, ये क्या कि अगर कोई सितारा ट्वीट कर रहा है तो उसकी भी जांच होगी? नहीं, जांच उनकी नहीं है, जांच उन लोगों की है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हैं और फोर्स स्पीच लोगों से करवाते हैं। ये सिर्फ हमारे हीरोज नहीं हैं, ये विश्व के हीरोज रहे हैं और लोग उनकी तरफ देखते हैं, और अगर उन पे किसी तरीके का दबाव पड़ रहा है कि उनके ट्विटर अकाउंट यूज़ कर करके सरकारी जो विज्ञापन जैसे सिंक्रोनाइज ट्वीटिंग होती है उस पे चेक करें, तो मैं मानती हूँ ये तो ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे अच्छी चीज़ की गई। लेकिन कोई इंडिविजुअल अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो क्या उसकी भी अब जाँच ये करवाई जाएगी? मतलब अगर आपने कोई ट्वीट किया, मैंने कोई ट्वीट किया, उसकी जाँच होगी कि मैंने किसके दबाव में किया? नहीं, ये इंडिविजुअल्स नहीं है, ये सिर्फ भारत रत्न नहीं है, ये विश्व रत्न है, और अगर उन पे किसी तरीके से उनकी देश की सरकार दबाव डाल रही है और हाँ में हाँ बोलने को फोर्स कर रही है, तो यही तो पता करना ज़रूरी है। तो क्या ये जो है जांच के माध्यम से ये पता चल सकता है कि दबाव डाल के ये किए गए इतने सारे सेलेब्स ने ट्वीट किए हैं? क्या सिर्फ जांच से ये पता? देखिए, ये इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एक दो पीपल, ये पूरी सिंक्रोनाइज ट्वीटिंग हुई है, और जब सिंक्रोनाइज ट्वीटिंग होती है, बहुत बार हो चुका है कि पब्लिसिटी करने के लिए सिंक्रोनाइज ट्वीटिंग करवाई जाती है, पर ऐसे मुद्दों पे जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं और ऐसे मुद्दों पे जब बात होती है और एक तरफ चुप्पी होती है और एकदम से फिर एक साथ सब लोग ट्वीट करते हैं, एक ही शब्दों में ट्वीट करते हैं, तो जनता को भी जानना ज़रूरी है कि डू दे मीन व्हाट दे आर ट्वीटिंग। लेकिन ये सब तब शुरू हुआ जब रेहाना
या ग्रेटा, इन लोगों ने ट्वीट शुरू किए और उसके बाद में भारत के जो नामी लोग हैं उन्होंने एक तरह से उनका जवाब देते हुए कहा है, तो उसमें तो आपत्तिजनक क्या? देखिए, मेरा मानना यह है, सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंतर्गत नहीं आता, यूनिवर्सल राइट्स हैं। दूसरी बात कि जिस तरीके से अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने चूज भी किया कि उनको जवाब देना है, अब दूसरों को क्यों कह रहे हैं कि उस ट्वीट को वर्ड टू वर्ड लोगों ने ट्वीट किए हैं? तो अगर आपको किसी तरीके का समर्थन मिला हुआ है तो एक ऑर्गेनिक ट्वीटिंग होती है और एक ट्वीटिंग होती है फोर्स ट्वीटिंग और एक होती है सिंक्रोनाइज ट्वीटिंग। तो वो जानना, जनता के बीच में जानना बहुत जरूरी है, वो जनता के बीच में जानना जरूरी है और इस वजह से जांच में ये पता लगाया जाएगा कि कहीं किसी दबाव में तो ये सारे ट्वीट्स नहीं किए गए। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।